जी ठीक हो गया। अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं अपना अपना नाम चैट के अंदर लिखते हैं अटेंडेंस के पर्पजेस के हवाले से। और अगर कोई एक स्टूडेंट या एक से ज्यादा किसी डिवाइस के ऊपर क्लास ले रहे हैं तो वो भी अपना नाम लिख दीजिए। जी मैम, मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके बाद आपको आंसर कर देता हूँ। जी आपका बैक का यानी जो बैक का बटन है उसका कुछ इशू आ रहा है आई थिंक, जो आपके क्वेश्चन से मुझे समझ आया। तो इसके अंदर आपने बैक के बटन को हमेशा उसी एरो के साथ कनेक्ट करना है, यानी आपकी जितनी भी स्क्रीन्स हैं हर स्क्रीन के साथ वहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट साइड पे आपको ये शो होगा। तो वहाँ पे आप हमेशा जब भी बैक का बटन कनेक्ट करेंगे तो वो उसी एरो के साथ करेंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी महब, आपका यानी क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपने बैक का बटन उसी के साथ कनेक्ट करना है। हम डायरेक्टली बैक के बटन को किसी स्क्रीन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको किसी स्क्रीन के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब भी आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही स्क्रीन ओपन होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं साइन अप के पेज से किसी स्क्रीन के ऊपर गया हूँ और मैं बैक करता हूं तो मुझे साइन अप के ऊपर वापस आना चाहिए, या मैं होम पेज के ऊपर हूं तो किसी और स्क्रीन पे जाता हूं तो बैक करूंगा तो मैं होम पेज पे आऊंगा। तो अगर आपने बैक के बटन को उस बैक आइकॉन के साथ नहीं मिलाया, किसी और स्क्रीन के साथ मिला दिया है, तो हमेशा वो स्क्रीन ओपन हुआ करेगा। तो इसलिए आप हमेशा बैक को बैक के बटन के साथ मिलाएंगे। वो कहाँ पे शो होगा? आपकी स्क्रीन के टॉप राइट साइड पे आपको बैक का वो आइकॉन शो होगा, तो उसी के साथ हमेशा बैक के बटन को मिलाएंगे, ताकि आप जिस भी स्क्रीन के ऊपर हो उससे पहले जो स्क्रीन ओपन थी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो वही स्क्रीन ओपन कर दिया करेगा। जी बिल्कुल, ये जरूरी है कि आपके डिजाइन का साइज सेम हो। आई थिंक कल आपका डिजाइन हमने ओपन किया था, मैं देखता हूँ अगर आपका डिजाइन ओपन होता है तो मैं उसे चेक करता हूँ। लेकिन ये जरूरी है कि आपके तमाम बटन्स, आपकी नेविगेशन बार्स और इनकी स्पेस इक्वल हो, इनका साइज इक्वल हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी यही है। सिमिलैरिटी और प्रॉस्पेरिटी जो हमने देखी थी तो वो बेसिकली यही थी। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं तो आपके डिजाइन के अंदर प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने एक ही सेम स्पेस के ऊपर कुछ चीजें ऐड की हैं और उनका साइज डिफरेंट हो, या उनकी स्पेस ही प्रॉपर इक्वल नहीं हो। तो स्पेस इक्वल रखना, साइज सेम रखना एक जैसी चीजों का, ये जरूरी है। साइज को इक्वल करने के लिए आप ये कर सकती हैं कि आप हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं, आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकती हैं अगर एक जगह पे इक्वल है साइज, अदरवाइज आप उनकी विड्थ और हाइट सेम साइज की कर दें चारों आइकॉन्स की, और उसके बाद उन चारों को सिलेक्ट करें, टाइडी अप करें या डिस्ट्रीब्यूट जो यानी हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेस के लिए, उसको यूज करके उनकी स्पेस को इक्वल किया जा सकता है। उसको ग्रुप करें पहले,
आपको चाहिए कि आप एक आप इसका मतलब कि आप टेक्स्ट और आइकॉन उन दोनों को ग्रुप करें, उसके बाद चार आइकॉन थे तो चारों को डिफरेंटली इंडिविजुअल सिंगल सिंगल ग्रुप्स करें, उसके बाद ग्रुप करने के बाद आप उनको जब टाइडी अप करेंगी तो वो आई थिंक के ठीक हो जाएगा। आपका डिजाइन अगर इन स्क्रीन के अंदर कहीं पर नजर आ रहा है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था आपका डिजाइन, मेरे ख्याल में आई थिंक ये वाला डिजाइन आपका था शायद। हमारे पास ये हाई फिडेलिटी डिजाइन है, ये देखिएगा ये आपका डिजाइन है, अदरवाइज इनमें से कौन सा आपका डिजाइन है? ये वाला जो अभी ओपन किया मैंने, ये वाला आपका डिजाइन है? जी ठीक हो गया। अच्छा इसमें मैं अगर नेविगेशन बार को देखता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा जस्ट। जी तो कहाँ पे आप कह रही हैं जो टॉप नेविगेशन बार है आपकी, कौन सी स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है? जी ठीक हो गया। तो फेवरेट स्क्रीन को अगर हम ओपन करते हैं, आपकी फेवरेट स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन बार है ही नहीं, तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ये आई थिंक ये आपकी फेवरेट स्क्रीन है, इसके ऊपर नेविगेशन बार नहीं है। जी मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, इसे देख लेंगे, क्योंकि इस तरह आई थिंक कि बाकी क्लास का टाइम भी इसमें वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको बाद में देख लेते हैं। आप मुझे उस स्क्रीन का एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या उसकी स्क्रीन वीडियो बनाए एक मोबाइल के ऊपर और वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, उस पर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जी तो आज लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर के अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था फिग्मा के अंदर, जिसमें हमारे पास फिग जैम था और जैम बॉट था। आज हम फिग्मा को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ जो अपडेट्स आई थी, आप ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल में जो अपडेट्स आई हैं या जो आपके लिए जरूरी है कि हमें पता होनी चाहिए ये अपडेट्स, उन अपडेट्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन सी अपडेट्स हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने फिग्मा को ओपन करता हूँ, हमारे पास ये फिग्मा की स्क्रीन आपके पास शो हो रही है, मैं इसके ऊपर किसी एक स्क्रीन को जो रैंडम ओपन हो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। जी तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, इसके ऊपर मैं अपना कोई एक डिजाइन ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास डेव मोड की एक अपडेट आई थी, इसके अलावा इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आई है वो मल्टी एडिट की अपडेट है, या इसके अलावा हम कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वेरिएंट्स वेरिएबल्स को भी यूज किया जाता है, तो ये इस तरह की अपडेट्स हैं। ऑटो लेआउट की एक अपडेट आई थी, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दो अपडेट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेव मोड है यानी डेवलपर्स मोड, और सेकेंड अपडेट है मल्टी एडिट। अब आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डिजाइन की फिग्मा के अंदर, अब आप में से ज्यादातर लोगों को जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिली होगी वो क्या प्रॉब्लम होगी, जो मुझे लगता है एज ए डिजाइनर या एज ए बिगनर हमें देखने को मिलती है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक डिजाइन मैंने कंप्लीट कर दिया, उस डिजाइन के हवाले से मैंने फीडबैक ली, अब फीडबैक के अंदर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इस डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करो, अब वो जो एक चेंज मैं करने लगा हूं वो मुझे तमाम स्क्रीन के ऊपर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार के अंदर जब मैं चेंजिंग करता हूँ तो वो तमाम स्क्रीन के अंदर मुझे नेविगेशन बार चेंज करनी पड़ेगी, यानी इस पर कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिसके अंदर आप एक ही स्क्रीन पे चेंज करते हैं और वो तमाम स्क्रीन्स के अंदर चेंज हो जाती। तो इसके लिए हम देखेंगे कि तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए फिग्मा ने
यूजर रिसर्च की और यूजर रिसर्च की बेस के ऊपर जो अपडेट दी, उस अपडेट के अंदर मल्टी एडिट का ऑप्शन अब क्या करता है कि आप एक जगह पे वो चीज चेंज करेंगे, बाकी तमाम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली वो चीज चेंज हो जाएगी आपकी। तो इसको बोला जा रहा है मल्टी एडिट। ये लास्ट वीक इनकी अपडेट आई है, पिछले हफ्ते। तो मैं अपने फिग्मा को ओपन कर रहा हूं आपके सामने, ये हमारा फिग्मा है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मल्टी एडिट के बारे में बता देता हूँ कि मल्टी एडिट बेसिकली क्या है। तो मल्टी एडिट को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको फिग्मा पे जाना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास हमारी नेविगेशन बार है, क्योंकि नॉर्मली हमें नेविगेशन बार के अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली ये टूल करता क्या है कि सेम स्पेस के ऊपर, यानी सेम साइज की सेम चीजें जो स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उनको एडिट करता है। या सेम नाम की जो लेयर्स हैं उनको देखता है कि सेम नाम की कौन कौन सी लेयर है। अगर हम एक लेयर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो उसी सेम नाम की जो लेयर्स बाकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, ये उनमें भी चेंजिंग्स कर देता है अगर हम चाहें। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये नेविगेशन बार है, इसके अंदर मैं अपने इस हैमबर्गर मेन्यू को कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे तमाम स्क्रीन के ऊपर इसका कलर ब्लैक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये तमाम स्क्रीन के ऊपर सेम कंसिस्टेंसी के साथ दिखेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपने उस डिजाइन को ओपन करना है। अपने डिजाइन को ओपन करने के बाद आपने डायरेक्टली उस आइकॉन पे या उस चीज को सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सर्च का आइकॉन है, तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चेंज करना, पहले मैं चेंज करता मैनुअली, तो उसमें क्या था कि मैं ब्लैक कलर करता, तो मैं तमाम के ऊपर बारी बारी सिंगल इंडिविजुअली तमाम स्क्रीन के ऊपर जाके इसको ब्लैक करता। लेकिन अब जब से हमारे पास मल्टी एडिट आया है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले उस आइकॉन को जिसको चेंज करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो तमाम टूल्स आ रहे हैं, एक तो आपके पास लेफ्ट साइड पे टूल्स आते हैं टॉप पे, उसके बाद आपके पास राइट साइड पे शेयर वाला पैनल आता है। इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट आइकॉन्स बने हैं। इन आइकॉन्स में आपके पास एक न्यू आइकॉन है जिसे बोला जाता है सिलेक्ट मैचिंग लेयर, या इसको बोला जा रहा है मल्टी एडिट। आपने उस आइकॉन को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे जितने सर्च आइकॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। जितनी भी स्क्रीन्स है, तमाम स्क्रीन्स पे मेरे जो मैचिंग लेयर है वो तमाम सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूं तो ये तमाम का कलर इसी के साथ चेंज हो जाएगा। इसका अगर मैं साइज चेंज करता हूं तो तमाम का साइज इसके साथ ही चेंज हो जाएगा। इसकी अगर मैं स्पेस चेंज करता हूं तो तमाम की स्पेस इसके साथ चेंज हो जाएगी। जितनी भी हमारी स्क्रीन्स है, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं तो ये तमाम स्क्रीन्स के ऊपर सिलेक्टेड है। आप जिस भी जगह पे करेंगे एक ही टाइम पे तमाम स्क्रीन्स की सेटिंग्स चेंज हो रही हैं और उस आइकॉन की में चेंजिंग आ रही है जी। इसकी समझ आई? किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मल्टी एडिट के हवाले से जी। अगर किसी को मल्टी एडिट की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूं, मुझे बता दीजिएगा कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको समझ आ गई है वो हैंड रेज कर दें। जी, सात लोगों को समझ आई है। तो हमारी क्लास के अंदर इस वक्त तकरीबन 13 लोग मौजूद हैं। 13 भी नहीं, आई थिंक आप लोगों ने दो दो नाम लिखे हैं डिवाइसेस के ऊपर भी। तो बाकी स्टूडेंट्स, अच्छा आज आप लोगों ने जिस जिस ईमेल के साथ लॉगिन किया हुआ है सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि आई थिंक कि आप लोग इसमें प्रॉपर उस तरह से वो नहीं कर रहे। तो जिन लोगों ने अपना अपना नाम लिखा है अपनी अपनी ईमेल के ऊपर, उन लोगों की अटेंडेंस इसमें मार्क की जाएगी। नेक्स्ट जो लोग इसमें किसी और का नाम लिख रहे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। तो अपनी अपनी डिवाइस के ऊपर आप लोगों को क्लास लेना होगी नेक्स्ट टाइम। और आज भी अभी भी अगर आप लोग वहां पे मौजूद हैं तो अपनी अपनी क्लास आप लोग अपनी अपनी डिवाइसेस के ऊपर लेंगे।
तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा अगर किसी ने अपने डिवाइस के ऊपर करना है। अदरवाइज सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपनी ईमेल के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है उन लोगों की अटेंडेंस मार्क की जाएगी, अदरवाइज बाकी लोग इसमें एब्सेंट कंसीडर होंगे। जी इसमें अदन खान आपको समझ नहीं आई? अदन खान, असवंत सरदार, इसके अलावा हबीबा खान, इसके अलावा वासिक आपको समझ नहीं आई जो हमने अभी ये देखा है मल्टी एडिट? जी जो लोग अभी क्लास के अंदर एंटर होंगे तो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा चैट के अंदर, और जिसका नाम उसकी ईमेल के साथ मैच कर रहा होगा सिर्फ उसी की अटेंडेंस मार्क की जाएगी, या नॉर्मली क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की ईमेल्स कौन कौन सी हैं इस वक्त। अदरवाइज जो आपने लिखा है कि कोई स्टूडेंट आपके साथ और क्लास ले रहा है तो उसको अपने डिवाइस के ऊपर लॉग इन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। जी तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आई तो इसमें अब नेक्स्ट आप लोगों का फॉल्ट होगा। जी तो यहाँ पे मल्टी एडिट, मैं दोबारा एक दफा आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी आइकॉन है, हम एक स्क्रीन को किसी भी जगह पे एडिट करते हैं तो वही सेम चेंजेस हमारी बाकी स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद होंगी। वो किस तरह से किया जाता है, इस चीज को हम मल्टी एडिट बोलते हैं। अब मल्टी एडिट के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने फिग्मा को ओपन करना है। फिग्मा को ओपन करने के बाद आपने उस आइकॉन को अपने डिजाइन के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे हैमबर्गर है, आप चाह रहे हैं कि आप तमाम स्क्रीन के अंदर हैमबर्गर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाएं, तो आप यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये जो दरमियान में चार आइकॉन्स हैं, इन आइकॉन्स में आपके पास ये वाला आइकॉन है जिसे सिलेक्ट मैचिंग लेयर का नाम दिया जा रहा है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट ए। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये आइकॉन जिस जिस स्क्रीन के ऊपर सेम स्पेस के ऊपर मौजूद है, इसके साथ मैच कर रहा है जहां जहां पे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसकी स्ट्रोक 2 कर देता हूँ तो ये हमारा आइकॉन थोड़ा सा ठीक हो गया। उसके बाद इसका कलर अगर मैं ब्लैक करता हूं तो ये हमारे पास कलर इसका ब्लैक हो गया तमाम स्क्रीन्स के ऊपर। इसी तरह अगर मेरे पास ये ब्लू कलर की इसकी बैकग्राउंड है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मल्टी एडिट सिलेक्ट मैचिंग लेयर पे क्लिक करता हूं, तमाम स्क्रीन पे ये हमारे पास इस कलर में आ गई। इसका कलर अगर मैं रेड कर देता हूं तो ये तमाम स्क्रीन के अंदर हमारे पास रेड कलर के अंदर मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं। आई थिंक अब इसकी समझ आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेव मोड है। अब डेव मोड क्या है, ये बेसिकली डेवलपर्स मोड है। जैसे हमने कल फिग जैम के अंदर देखा था, जैमबॉट के अंदर, कि हमारे पास कोड मी अप या कोड अप का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप उसे बता सकते हैं कि एक स्क्रीन, ये वाली मेरी स्क्रीन है, इसका मुझे प्रॉपर कोड लिख के दो। अब उसके अंदर आपको उस स्क्रीन का बताना होता है। यहाँ पे हमारे पास डेव मोड के अंदर हम डेवलपर मोड ऑन करते हैं और उस डेवलपर्स मोड के अंदर हमारे पास पूरा कोड उस स्क्रीन का लिखा हुआ आ जाता है, जो डेवलपर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है, उसे डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब डेव मोड को यूज करना चाह रहा हूं, तो आपके पास राइट साइड पे टॉप पे ये शेयर का बटन है, आपकी प्रोफाइल है उसके साथ शेयर का बटन है। शेयर के बटन के बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है जिसके अंदर दो स्मॉल एरो ब्रैकेट्स हैं और एक स्लैश बनी हुई है, इसको हम डेव बटन बोलते हैं या डेव मोड को ऑन करने का बटन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा डेव मोड ओपन हो गया, यानी डेव मोड इस वक्त ऑन हो गया। अब मैं किसी भी चीज का कोड देखना चाह रहा हूं एज ए डेवलपर, तो मुझे कोड यहाँ पे उसका शो हो जाएगा। तो इसको कैसे चेक किया जाएगा, अब यहाँ पे लैंग्वेज हमारे पास HTML है, आपके पास HTML लैंग्वेज है, आपके पास यहाँ पे एंड्रॉइड की कंपोज, XML, iOS की स्विफ्ट UI किट, इसके अलावा CSS। आप इसमें मजीद
कोड्स या प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है फिग्मा 2 कोड, इसके अंदर मेरे पास JSX, टेलविंड, फ्लटर, स्विफ्ट UI, HTML, ये तमाम लैंग्वेजेस के कोड आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और है, आप अगर प्लगइन को डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली ब्राउज कोड जेन प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें से आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उस पर रन पे क्लिक करें, वो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। तो अब मैं अपने इसी में वापस जाता हूं, तो यहाँ पे जिस चीज को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका कोड मेरे पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इस बटन का कोड यहाँ पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोड या प्रॉपर्टीज, अगर आप इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं जिसमें आपको इसकी विड्थ, इसकी हाइट और इसकी टाइपोग्राफी के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, इसका कलर कौन सा है, कलर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें आपको प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेंगी, आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसका कोड देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे ही आप कोड को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ आ गया। ये हमारे पास इसका कोड है, किस चीज का कोड, ये है कि हमारे पास जो ये कन्फर्म सीट लिखा हुआ है इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये इसका हमारे पास कोड आ गया, div style text align center color। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस चीज का कोड देखना चाह रहा हूँ, ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये इसका कोड आ गया। अब मैं किसी एक प्रॉपर पूरी स्क्रीन का कोड देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्क्रीन के नाम पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसके नाम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास उसका मुकम्मल कोड लिखा हुआ आ गया। ये किस लैंग्वेज के अंदर है, HTML के अंदर। आप चाहें तो इसको HTML से मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फ्लटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कोड फ्लटर लैंग्वेज के अंदर या फ्लटर के हवाले से लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी तरह से आप इसके मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे तो आप मुख्तलिफ दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर इसके कोड को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी भी प्लगइन को देखते हैं या प्लगइन को डाउनलोड करते हैं या आप किसी का कोड जनरेट करवाते हैं तो उस कोड को जनरेट करवाते हुए आपको खुद भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपकी क्लास में डिस्कशन हुई थी इस चीज पे, कि हमने मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डिजाइन है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कोई काम किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI से किसी चीज को हमने जनरेट करवाया है, तो जब हम किसी चीज को AI से जनरेट करवाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हमें 70-80% को काम मिल जाता है लेकिन 20% उसके अंदर हमें खुद से एडिट करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो जब हम खुद से कुछ ना कुछ उसमें एडिट करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको अगर मैनुअली वो काम करना आता है तो फिर आप उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, अगर आपको उसमें मैनुअली काम नहीं आता तो इसका मतलब कि आप उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत डेवलपिंग, थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए अगर आप डेवलपर या डेवलपर्स की इस फील्ड के अंदर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आपको डेवलपिंग या इसके हवाले से कोडिंग के हवाले से थोड़ा बहुत मैनुअली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप इसमें इजीली अपने कोड को अगर किसी तरह की कोई चेंज करनी है तो वो चेंज उसमें कर सकें। तो यहाँ पे ये हमारा अभी तक तकरीबन इसको वो कर रहा है फ्लटर के अंदर, तो मैं यहाँ पे वापिस CSS पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास लेआउट। और ये इसी तरह से आप इसका कोई और अगर चाहें तो एंड्रॉइड में, क्योंकि XML है तो XML का कोड हमारे पास ये आ गया प्रॉपर इस पूरी स्क्रीन का कोड। अगर किसी और स्क्रीन का देखना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करें उस स्क्रीन का कोड हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी जी, किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास उसी तरह से चार आइकॉन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंस्पेक्ट है जिसके अंदर आपको कोड मिल जाता है, आपके पास मैयर का एक बटन है कि अगर आप देखना चाहें कि इनकी मैयरमेंट कितनी है तो इसको क्लिक करें और यहाँ से इसकी मैयरमेंट आपको पता चल जाएगी कि इसकी 100x100 का सर्कल है। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें ये बता देगा कि हमारे टेक्स्ट का साइज कितना है, 57 इसकी विड्थ है और इसकी हाइट 30 है। इसी तरह अगर मैं इस बॉक्स का साइज देखना चाह रहा हूँ तो इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट होगा तो नीचे इसके आपको इसका साइज मिल जाएगा। इस वक्त हमारे पास 347 पिक्सल्स की विड्थ है और 146
हाइट इसकी 146 पिक्सल इसकी हाइट है। इसी तरह अगर मैं किसी आइकॉन पे क्लिक करता हूं तो आप इसकी भी मैयर देख सकते हैं कि ये कितना है हमारा, इसका साइज क्या है, तो इसका इस वक्त 24 पिक्सल है। अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास इसकी 244 पिक्सल इसकी विड्थ है, जबकि इसकी हाइट हमारे पास 17 है। तो आप इसमें मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है एनोटेट। तो अगर यहाँ पे आप किसी तरह की कोई एनोटेशन नोट्स वगैरह लिखना चाहें तो वो लिखे जा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई कमेंट देना चाहें तो जिस तरह हमने फिग जैम के अंदर देखा था या हमने अपने विजुअल डिजाइन के अंदर देखा था, उसी तरह से सेम आप लोग यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, इसको शेयर किया जा सकता है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं वापिस अपने उसी डिजाइन मोड के अंदर जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने डेव मोड को वापिस ऑफ करूंगा और ये मेरे पास वापिस वही मेरा डिजाइन मोड आ गया। अगर दोबारा मैं इसका डेवलपिंग यानी डेवलपर मोड में जाना चाह रहा हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा और डेवलपर मोड में आ जाऊंगा, वापिस डिजाइन मोड में आ गए। तो आई थिंक मल्टी एडिट आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी हद तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि नेक्स्ट आप जब भी डिजाइन करेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ऑलरेडी जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको ये काफी हेल्प करेगा, जो आपकी नेविगेशन बार्स हैं या मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें जो आपने मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर रखी है, तो उन स्क्रीन के ऊपर भी आपको मल्टी एडिट का बटन काफी हद तक हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारा फिग्मा तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसमें अब एडवांस टाइप की एनिमेशंस कुछ रहती हैं, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह हम एक क्लास अपनी एडवांस एनिमेशंस पे भी रखेंगे, वेरिएबल्स पे, कंपोनेंट्स पे, वेरिएंट्स पे, तो उसके ऊपर हम एक क्लास रखेंगे लास्ट में, जिसमें हम एडवांस एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा फिग्मा कंप्लीट हो गया, हमारा एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट हो गया। केस स्टडी आप लोगों ने कंप्लीट करना है और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है मंडे तक। नेक्स्ट हम मंडे से इंशाल्लाह ताला वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। वेबसाइट की मुख्तलिफ किस्म की लेआउट्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट्स कैसे डिजाइन की जाती हैं, डाटा कैसे अरेंज किया जाता है। अडोब एक्सडी के अंदर हम आप लोगों के पास अपनी अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, उसी एप्लीकेशन का वेबसाइट वर्जन अडोब एक्सडी के अंदर हम डिजाइन करना सीखेंगे। उसके मुख्तलिफ किस्म के ज्यादातर डाटा आप लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, इसी की तरह हम वेबसाइट को भी डिजाइन करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट की हुई है, तमाम रिसर्च डाटा आपके पास मौजूद है। हाँ, फ्लो चार्ट हम उसका डिजाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसका हम कम्पिटेटिव ऑडिट करेंगे। उसके बाद हम उसके पेपर वायर फ्रेम, डिजिटल वायर फ्रेम, हाई फाई वायर फ्रेम और उसके बाद यूजेबिलिटी स्टडी और प्रोटोटाइपिंग करना सीखेंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन की करना सीखी है फिग्मा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फील्ड के अंदर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग फील्ड के अंदर फिग्मा को यूज करते हैं या अडोब एक्सडी। इन दोनों में से जो सॉफ्टवेयर आपको आसान लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि Adobe XD वेबसाइट के लिए यूज किया जाए या फिग्मा एप्लीकेशन के लिए, दोनों में एप्लीकेशन भी डिजाइन की जा सकती है, वेबसाइट भी डिजाइन की जा सकती है। हमारा इसको इस तरह से डिजाइन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को फिग्मा भी प्रॉपरली आ जाए, आप प्रॉपरली इसके अंदर से भी गो थ्रू हो जाएं और इसी तरह आप वेबसाइट के लिए Adobe XD को जब यूज करेंगे तो आपको Adobe XD भी अच्छे से डिजाइन करना उसमें और उसको यूज करना भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ तक किसी को एप्लीकेशन डिजाइन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, फिग्मा के अंदर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी हमारा मंजूर, आई थिंक कि आपको आपके अपने ईमेल से लॉगिन करना चाहिए क्योंकि आप इस वक्त ये मुकद्दस जो आई थिंक हमारी स्टूडेंट थी मुकद्दस मुश्ताक, उनके अकाउंट से उनका अकाउंट लॉगिन था तो आप उससे क्लास ले रही हैं। आप मोबाइल के ऊपर ले लिया करें, इस टाइम कंसीडर कर रहा हूं मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम तमाम लोग जो इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं अपनी अपनी डिवाइसेस से आप लोग क्लास लेंगे। नेक्स्ट कोई एक डिवाइस से दो या तीन स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले सकते। आई थिंक हमारी मैक्सिमम 6 से 7 आगे नेक्स्ट क्लासेस होंगी, उसके बाद हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड जब तक हमारा ये कोर्स खत्म होगा। तो ये 6 से 7 नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस हैं इनमें कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी अपनी डिवाइसेस से प्रॉपरली क्लासेस लें। और अगर इस वक्त, क्योंकि आज के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर इस वक्त कोई एक डिवाइस पे दो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं तो उनको हम कंसिडर कर लेंगे। जो लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं अपना अपना नाम लिख लीजिएगा अटेंडेंस के तौर पर। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ पे मैं आप लोगों को माइक ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो अगर कोई माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है, और अगर किसी का चैट के अंदर क्वेश्चन लिख के पूछना चाह रहा है तो वो भी पूछ सकता है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये ऑप्शन हमारे पास अभी तो नहीं शो हो रहा, तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे फिग्मा को? आई थिंक कि आपके पास ये ऑप्शन शो होना चाहिए, क्योंकि फिग्मा का अपडेटेड वर्जन है सब लोगों के पास। मैं अभी चेक करके आई हूँ, तो वैसे वहां पे नहीं था ड्राफ्ट और इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा था। नहीं, इसमें आपने करना ये है ना कि सबसे पहले आपने अपने डिजाइन को ओपन करना है, उस फाइल को ओपन करें जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, फिर उस आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऊपर शो हो जाएगा। ओके मैं करके देखती हूँ। अगर फिर भी किसी का नहीं शो होता तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको शो हो गया सर, शो हो रहा है जी, ठीक हो गया। हाँ, जी वो किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिएगा। जी जी ठीक है, ठीक। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। तो आई थिंक फिग्मा की जितनी जी जी वो जो मैंने मैसेज भी किया हुआ था, वो मैं ये पूछ रही थी कि मतलब हर स्क्रीन के साथ जो दूसरी स्क्रीन है ना, तो उस पे वो बैक का लेफ्ट साइड पे वो जो बैक का ऑटोमेटिक वाला वो जो एरो है तो वो शो होता है। अगर वो स्क्रीन दो तीन स्क्रीन के अलग है ना, मतलब उनसे आगे है, तो उस पे वो एरो शो नहीं होता। तो ये मैं पूछ रही थी कि उसके लिए अब उस स्क्रीन की कॉपी करके उस स्क्रीन के साथ अलग से लगाना पड़ेगा? नहीं, वो हर स्क्रीन के साथ शो होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फिग्मा ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं प्रोटोटाइप पे आता हूँ, प्रोटोटाइप पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इसको अगर करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से वायर निकाली है, तो आप यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, इस स्क्रीन के बिल्कुल यहाँ पे मुझे ये बटन शो होगा। तो यहाँ पे मैंने ये जैसी वायर निकाली, यहाँ पे ये बटन शो होना स्टार्ट हो गया मुझे। इसी तरह अगर मैं इस स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही वायर निकाली, यहाँ पे ये बटन मुझे शो हो रहा है। ये हमारे पास बैक का बटन है। तो इसके साथ सिंपली आप स्क्रीन के साथ शो हो रहा है, लेकिन अगर ये कंफर्म सीट का जो हम लोग प्रोटोटाइप लिंक करना चाह रहे हैं ना, तो ये दो तीन स्क्रीन से आगे जाके लिंक कर रहे हैं, तो वहां पे जाके ये बैक का नहीं एरो शो होता। अब वहां पे एक चीज चेक कर लीजिएगा कि आपके फ्रेम का नाम ऊपर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। चांसेस है कि आपका वो फ्रेम का नाम शो होता है ये। चलो मैं आपकी तरफ व्हाट्सएप पे इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सेंड कर दूंगी। जी बिल्कुल, इसकी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा, मैं देखता हूँ उसे। ठीक जी, ठीक जी ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा फिग्मा मुकम्मल हो चुका है। फिग्मा के अंदर फिग जैम, जैम बॉट, डिजाइनिंग और उसके बाद जो अपडेट्स इसमें आई, डेव मोड, मल्टी एडिट या ऑटो लेआउट के हवाले से, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मंडे से हम वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं यूआई यूएक्स के हवाले से। कोशिश कीजिएगा कि इन क्लासेज को मिस ना कीजिएगा। कुछ थ्योरी की क्लासेज होंगी हमारी स्टार्ट में, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी डिजाइन की हुई है एक एप्लीकेशन, तो आपको आई थिंक एप्लीकेशन के निस्बत वेबसाइट डिजाइन करना ज्यादा आसान लगेगा। रिसर्च हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से ज्यादा लोगों को वैसे वो बोर लगती है, तो रिसर्च हम कंडक्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने रिसर्च कंडक्ट की हुई है एप्लीकेशन के लिए, उसी रिसर्च को यूज करते हुए हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे। हाँ, फ्लो चार्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और इसके हवाले से एक दो स्केचिंग हम करेंगे दोबारा, और उसके बाद पेपर वायरफ्रेम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इस क्लास की रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कुछ देर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।